यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। आप कैसे 25,000 to 30,000 आफ्टर डेवलपमेंट सेव कर सकते हो। यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये सेव कैसे करना है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। समझ के चलो फ्रेंड्स, आपने कोई एक एप्लीकेशन बना लिया, फिर वो कैसा भी एप्लीकेशन हो, छोटा हो, बड़ा हो, फ्रीमियम हो, प्रीमियम हो, गेम हो, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो, आफ्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको जो नीड पड़ती है वो होती है प्रमोशन की, ठीक है। तो प्रमोशन में आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हो। प्रमोशन के लिए आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप यूट्यूब पर उसे प्रमोट करोगे, गूगल एडवर्ट के थ्रू प्रमोट करोगे, फेसबुक बूस्टिंग के थ्रू प्रमोट करोगे। ज़्यादातर जो अब सबके कॉन्टैक्ट तो होते नहीं है यूट्यूबर से, तो वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि वो गूगल एडवर्ट एक्सपर्ट को हायर करें जो गूगल मार्केटिंग के बारे में, गूगल एड्स के बारे में कंप्लीट जानता हो, या फिर जो फेसबुक एडवर्टीजमेंट का एक्सपर्ट हो उसे हायर कर ले, ठीक है। अदरवाइज आप ये भी पॉसिबिलिटी कि आप खुद से गूगल एडवर्ट पे अपना अकाउंट बना के खुद से कोशिश करते हो कि आप खुद से उसे प्रमोट कर सको, और 95% चांसेस है वहां पर फेल हो जाते हो, ठीक है। तो पैसा सेव कहाँ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आप ये जो मैंने आपको बताया 20,000 और 25,000 या फिर 30,000, ये कैसे सेव होता है। अच्छा, ये अमाउंट जो मैंने आपको बोला ना 20-30,000, ये इतना ही बोलने के पीछे भी एक रीज़न है। इतना ही मैंने इसलिए बोला, अगर 20,000-30,000 लगाने के बाद आपको इंस्टॉल्स मिल रहे हैं और अगर आपके यूज़र आपके एप्लीकेशन पर एक्टिव रह रहे हैं उतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, तो ही आप आगे का अमाउंट लगाने के लिए सोचते हो, या फिर एक्चुअल में सही होता है भाई, तभी आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो। अदरवाइज क्या मतलब इन्वेस्ट करके जब आपके पास यूज़र आपके एप्लीकेशन में टिक ही नहीं रहे हैं। पॉसिबिलिटी है आपके आपसे अच्छे एप्लीकेशन हो सकते हैं या फिर आपके एप्लीकेशन में कोई कमी है, ठीक है। तो वो जो अमाउंट है, इतना अमाउंट स्टार्टिंग में ज़रूर आप लोग लगाते होंगे प्रमोशन में, या फिर आप लगाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो ये जो अमाउंट है इसको कैसे सेव करना है और अपने एप्लीकेशन को कैसे ग्रोथ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 25,000 में से आप समझ के चलो बहुत कम भी अगर आप एक एक्सपर्ट को दोगे तो 5,000-10,000 जरूर दोगे आपके एप्लीकेशन पे एटलीस्ट 10,000 या 5,000 डाउनलोड्स लाने के लिए, ठीक है। इतना तो आप दोगे, कम से कम इतना दोगे। यही पैसे को मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ आप सेव कर सकते हो। और वो सेव कैसे कर सकते हो दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइज कैसे किया जाए, इनके कोर्सेज हैं, फेसबुक ऐड के कोर्स हैं, गूगल ऐड के कोर्स हैं, ठीक है। आप मेरा टेम्पलेट का ज्वाइन प्रोग्राम, मेरा टेम्पलेट जो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन बटन रहता है उस पर क्लिक करोगे तो आपको 59 रुपीज़ में, जो कि दिन भर में आप मुझे लगता है उसके कुछ भी खा लेते होंगे, उससे ज़्यादा आप खा लेते हो, 100, 200, 300, इवन 500 से भी ज़्यादा खा लेते होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके खाने की क्या कैपेसिटी है और आप कितना खर्च करते हो, बट 59 रुपीज़ इज नथिंग फॉर यू, ठीक है। तो आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारा जो फेसबुक ऐड कोर्स है आप उसे मतलब सीख सकते हो उससे। अच्छा, ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप मेरा ही, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा इजी वे में जाता हूँ और जिससे थोड़ा इजी में समझ में आ जाए आपको, वैसे लैंग्वेजेस को वहाँ पे यूज़ करता हूँ। ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी वाले जो लैंग्वेज रहते हैं, हार्ड वाले लैंग्वेज, वो मैं यूज़ नहीं करता कभी भी मेरे वीडियोज़ में। जितना ईजी हो सकता है उतने ईजी में आपको मैं बताता हूँ। तो आप ज्वाइन बटन पर हिट करके हमारा फेसबुक ऐड कोर्स बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रमोशन नहीं है ये, आप चाहो तो अदर जो आपको इजी लगता हो, मार्केट में बहुत सारे फेसबुक ऐड कोर्स हैं, गूगल ऐड के कोर्स हैं, आप उन्हें बाय कर सकते हो। सीखने में हार्डली आपको 10 to 15 डेज लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30-40 वीडियो, कोई भी कोर्स में इससे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा होंगे तो 60-70, उससे ज़्यादा वीडियो नहीं होते हैं, बट 60-70 वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो रहते हैं वो 10-12-15 ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगे, ठीक है। सबको अगर आप दिन में 5 वीडियो भी वॉच करते हो और उनकी प्रैक्टिस 2-3 दिन करते हो, फिर 5 वीडियो वॉच किया आपने, फिर 2-3 दिन प्रैक्टिस किया, ऐसा करके अगर आपने 10 दिन में प्रैक्टिस कर लिया तो ये आपका सेविंग हो जा रहा है। मतलब जब तक आपका एप्लीकेशन अंडर डेवलपमेंट रहता है तब तक आप ये सीख लो, उससे क्या होगा, सिर्फ आपकी वो जो अमाउंट है वही सेव नहीं हो रहा है, आप आगे चल के अगर एप्लीकेशन बनवाते हो तो प्रमोशन के लिए वहां पर भी आप पैसा सेव कर सकते हो। प्लस समझ के चलो कि आपने वो सीख लिया है और आप अपने एप्लीकेशन में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसे भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरों के एप्लीकेशन को प्रमोट करके भी आप एटलीस्ट अपना रिकवरिंग तो कर सकते हो जो आपने इन्वेस्ट किया था। भले आप उसे अपना करियर एज अ करियर मत चूज करो, बट एज अ करियर चूज करना बुरा भी नहीं है, पर हाँ आप दूसरों के एप्लीकेशन को प्रमोट करके भी अपना उतना रिकवर कर सकते हो अमाउंट जितना आपने एप्लीकेशन में इन्वेस्ट किया था। तो मतलब जो एडवर्टीजमेंट रहता है यहीं पे आपका जो बाद में पैसा लगता है आफ्टर डेवलपमेंट, यहीं पे आपका पैसा लगता है और यही आपको सेव करना है थ्रू फेसबुक ऐड और गूगल ऐड कोर्स को सीख के। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा और ये मेरा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।